ओके okay, नेक्स्ट है इसमें यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस डायमेंशनल इक्वेशंस क्यों यूज होती हैं क्या करते हैं उससे फर्स्ट इसका यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमने बनाई है उसका करेक्टनेस बताने के लिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ यानी कि मास लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ क्या है मास लेंथ एंड टाइम आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ द फिजिकल रिलेशन मतलब कि आपके इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ जो भी इक्वेशंस हैं उनका डायमेंशंस बराबर होने चाहिए अदरवाइज वो रिलेशन क्या है इनकरेक्ट है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिया है हमने ये दोनों इक्वेशन uh, के इक्वल uh, टू के दोनों तरफ आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं अब आपको चेक करना है इसकी करेक्टनेस ठीक है तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर पहले इसको देखते हैं ठीक है डायमेंशन क्या होंगे एम यहाँ पर क्या है मास तो मास किस में आता है किलोग्राम में राइट हाफ तो कांस्टेंट है ना उसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे हम ठीक है मास की हमने किलोग्राम लिख ली और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड जिसका हमने क्या डाला है स्क्वायर ठीक है तो क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है अब इसको हम डायमेंशंस में लिखेंगे किलोग्राम मास की यूनिट होती है तो एम कैपिटल एम ठीक है मीटर किसकी यूनिट होती है लेंथ की सो एल स्क्वायर और टाइम किसकी यूनिट होती है सॉरी सेकेंड किसकी यूनिट होती है टाइम की तो टी माइनस टू ये बना आपका डायमेंशन इस पूरे फंक्शन का ठीक है सिमिलरली हम करेंगे एम जी एच का ठीक है एम क्या है इसमें सिमिलरली मास है इसमें भी जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बट आप सिर्फ इतना याद रख लो कि ये एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड ठीक है फिर आपका ये एच जो है ये हाइट होता है हाइट भी आप किस में मेजर करते हो मीटर में ठीक है सो so, आपके पास क्या बना किलोग्राम मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ठीक है ना मीटर पर सेकेंड किसका होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का ठीक है so, सो आपका ये बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब इसको जब वापस करोगे तो आपका क्या बनेगा किलोग्राम के लिए कैपिटल एम मास मीटर के लिए लेंथ की यूनिट एल स्क्वायर और टाइम के लिए टी माइनस टू ठीक है तो ये था आपका एल एच एस और ये है आपका आर एच एस ना एल एच एस के डायमेंशन इक्वल है आर एच एस के देर फोर देर फोर द इक्वेशन और दिस दिस रिलेशन इज करेक्ट फाइन तो कई बार क्या होता है कि ये सिंगल सिंगल टर्म्स नहीं होंगी इसमें कहा है ना ईच एंड एवरी टर्म उसका मतलब है कि कई बार आपके पास ए प्लस बी मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जैसे कि मास की यूनिट या कोई और यूनिट ठीक है इक्वल टू सी प्लस डी करके है यूनिट ठीक है तो इसको आप कैसे करोगे जो आपका यहाँ पर यूनिट है ना डाइमेंशंस हैं प्लस जो इसके डायमेंशन है तभी ऐड हो सकते हैं जब इन दोनों के डाइमेंशंस सेम हो मतलब दो चीज़ें तभी ऐड होती हैं जब वो सेम हो ठीक है ना वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हो वेलोसिटी में एक्सेलेशन तो ऐड नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना तो जो इसका डायमेंशन है प्लस करके इसका डायमेंशन एक ही आने वाला है तो इन दोनों का डायमेंशन एक्चुअली एक ही निकलेगा आपके पास मान लो जैसे कि हमने अभी निकाला एम एल टी माइनस टू कुछ आते ठीक है ना इन दोनों का सेपरेटली इसका भी एम एल टी माइनस टू है और इसका भी एम एल टी माइनस टू है तो आप उसको ऐड करके एम टू या टू एम नहीं करोगे ही रखा जाता है ठीक है इक्वल टू तो सी प्लस डी ठीक है इनका भी दोनों का इसका भी एम एल माइनस टी सॉरी एम एल टी माइनस टू है और इसका भी एम एल टी माइनस टू है तो टोटल क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू तो यहाँ से आपकी करेक्टनेस पता लग जाएगी इसके ऊपर हम एक और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू